यार कितने सारे स्टोर्स वाले होते हैं अपनी रिटर्न पॉलिसी कमाल रखते हैं। आप उनका कपड़ा घर पे लेके जाइए, अगर आपको उनके कपड़े पसंद नहीं आ रहे हैं तो वापस 7 दिन में रिटर्न कर दीजिए, आपको पूरा पैसा वापस मिल जाता है। कुछ लोग इसका बहुत ज्यादा मिसयूज करते हैं, जाते हैं कपड़े किसी शादी वादी में पहन के चले जाते हैं, वापस आके कपड़े प्रेस करके इस्त्री करके चिपका देते हैं। ऐसा ही एक मैडम ने किया, उनके दोस्त ने हमें फोन करके बता दिया और हमने उनकी फिरकी लेने की कोशिश की। लेट्स सी फिरकी कैसी होती है। हेलो, क्या मेरी बात रिमी जी से हो रही है? हाँ जी, रिमी बोल रही हूँ। या हाय मैम, हम लोग स्टोर से बोल रहे हैं। आप 3 दिन पहले ड्रेस लेके गए थे ना मैम, जो आपने रिटर्न किए? हाँ जी, मैं लेके गई थी। मैम एक्चुअली दिस इज अ फीडबैक कॉल, जनरली क्या होता है हमारे डिजाइनर्स फीडबैक लेते हैं। आपको ड्रेस क्यों नहीं पसंद आई मैम? एक्चुअली वो मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं आई, इसलिए मैंने वो रिटर्न कर दी। तो मतलब क्या फिटिंग वगैरह का इश्यू था मैम? नहीं नहीं, फिटिंग, हाँ फिटिंग भी था, पर इट्स नॉट माय टाइप, तो सो मेरे हस्बैंड ने कहा इसको वापस रिटर्न करो। तो पर मैम आपके हस्बैंड ने तो फेसबुक पे लिखा है लुकिंग डैपर गॉर्जियस वाइफ। आपने मेरे फेसबुक पे देखा? जी मैम, आप किसी की सगाई में पहन के गई थी वो और आपने वापस से ड्रेस लौटा दी, आपके हस्बैंड को तो पसंद आई है वो। एक्चुअली वो बाद में पसंद नहीं आई। तो बाद में पसंद नहीं आई तो मैम अब ये काम करना पड़ेगा आपको, इस ड्रेस का जो पैसा है आपको हमारे यहाँ लौटाना पड़ेगा, ठीक है? ओके, मैं लौटा दूंगी। हाँ तो ये ड्रेस थी 6999 की, तो आपको इसका 32,000 रुपीज देना है मैम। जी सर, 699 की मैं तो 7,000 में दे दूंगी। नहीं मैम नहीं, ये आपका फाइन है, बहुत सारे लोग इसी तरह से फ्रॉड करते हैं हमारे साथ, तो अभी हम उनको सबक सिखाने के लिए ये फाइन भी वसूल रहे हैं मैम। भैया देखिए, मैं आपको कह रही हूँ ना कि मैं ड्रेस नहीं मैम, अरे मेरी नहीं मैम, अगर आप 1,000 अगर आपको नहीं देना तो मैम मैं आपकी फोटो फेसबुक पे अपलोड करवा के फ्रॉड वाली लिस्ट में डलवा देता हूँ। सुशील भैया देखिए ऐसे नहीं, भैया सुशील आप एक काम कीजिए, इन मैडम की फोटो लेके सुनिए, रुकिए, ऐसा नहीं करिए, मैं आपको 1,000 एक्स्ट्रा पे करने को तैयार हूँ। नहीं मैम, ये क्या आपने मुझे वो समझाया कि 500,000 ले ले लैंड करा ले। भैया देखिए अब जितने आपसे 7,000 की ड्रेस है, आप इतना ज्यादा थोड़ी ना चार्ज कर सकते हैं। पहले एक काम कीजिए, मेरी बात सुनिए, शपथ लीजिए कि आज के बाद मैं कभी ऐसा फ्रॉड नहीं करूंगी। प्रॉमिस, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी, कभी फ्रॉड नहीं करूंगी ऐसा, है ना? एक्चुअली आपका जो दोस्त है दीपक, जो आपके साथ ड्रेस लेने आया था जी, उसी ने मुझे आपका नंबर दिया। मैं सुड बोल रहा हूँ मैजिक एमएम से, हम फिरकी ले रहे हैं मैडम। दीपक ने नंबर दिया और ऐसे कोई कॉल करता है क्या? तुम्हें पता है मैं कितना ज्यादा डर गई थी। अच्छा अच्छा सुनो मैडम जी, 32,000 देने कब आ रहे हो?